हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड आज आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाएंगे एंड आज आप लोग को बताएंगे न्यू ट्रिक, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग को स्किप नहीं करके देखना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग को बताएंगे आप लोग अपने फोटो में क्वालिटी कैसे डाल सकते हैं, यानी मतलब कि आप लोग अपने फोटो में फुल एचडी एडिटिंग कैसे कर पाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो आज आप लोग को बताएंगे फोटो को एचडी में कैसे बनाया जाता है एंड आप लोग को बताएंगे हेयर पे कलर एंड हेयर ऑयल पेंट, एक न्यू सीक्रेट ट्रिक आप लोग बताएंगे, ठीक है, न्यू सीक्रेट ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा टूल विज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिंपली हम लोग शेयर कर चुके हैं टूल विज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देन शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग आर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना, आर्ट ART आर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना आगा ऑयल पेंटिंग, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं ऑयल पेंटिंग, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन उस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप लोग के टूल वेज एप्लीकेशन के अंदर। देखिए इफेक्ट एंड सेटिंग एंड MS के मास्क, ठीक है। तो सिंपली यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, यानी मतलब कि आप लोग हेयर पे अपने ऑयल पेंट मार पाएंगे, यानी न्यू ट्रिक है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड लास्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग सर्कल पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। देन जैसे आप लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का हेयर का इफेक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड आप लोग का फेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड देखिए ब्रश साइज को 12 रखना होगा एंड देखिए ये जो 5 वाला ऑप्शन है ना उसको 5 ही रखना होगा एंड आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इतना करने के बाद MS पे आ जाना है, सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग क्लीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देन जैसे क्लीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के हेयर पर से इफेक्ट एंड आप लोग के फेस एंड आप लोग जो भी शर्ट एंड टी शर्ट पहने होंगे उस पर से टी शर्ट के मतलब इफेक्ट हट जाएगा, ठीक है। तो इतना करने में सिंपल लोग फोटो को जूम कर लेना होगा। जूम करने के बाद सिंपली देखिए इस वाले देखिए जो हेयर एंड एरिया हेयर का सिंपली आप लोग को उस पर अप्लाई करना है तो हल्का सा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अभी आप लोग इसको से सॉरी फ्रेंड इसको आप लोग अच्छे से एडिट करेंगे तो आप लोग के हेयर में बहुत ही गजब का लुक आएगा। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड, तभी आप लोग जान पाएंगे एंड आप लोग हेयर पे अप्लाई कर लीजिएगा एंड जो भी आप लोग का सॉल्ट एंड टी सॉल्ट होगा उस पर भी आप लोग को अच्छे से अप्लाई कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम अप्लाई कर ले रहे हैं। आप लोग को क्या करना होगा जल्दीबाजी में हेयर पे एंड सॉल्ट टी सॉल्ट पे आप लोग को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का फोटो बेकार बनेगा, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से हम लोग को डन कर देना होगा। डन करने के बाद सिंपली देखिए फोटो सेव हो रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। देखिए इतना हो गया ना तो आप लोग का हेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड आप लोग का देखिए सॉल्ट एंड टी सॉल्ट जो भी होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपली देखिए हम लोग का हेयर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो सिंपली इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। देन इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देना होगा एंड उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है MS, ठीक है। इस पर हम लोग नहीं क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे रहेंगे, सिंपली आप लोग को 10 नंबर यूज करना है, ठीक है। 10वां नंबर हम लोग ब्रश यूज करेंगे तो देखिए आप लोग का हेयर एंड आप लोग का फेस एंड जो भी सॉल्ट एंड टी सॉल्ट होगा तो फिर से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको दिखाते न्यू ट्रिक बता रहे फ्रेंड, पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सिंपली इतना करने में सिंपल आप लोग MS पे क्लिक कर देना होगा एंड आप लोग को क्लीन कर देना, ठीक है। क्लीन करने के बाद सिंपल आप लोग को अपने हेयर पे अप्लाई करना है ब्रश को, इफेक्ट वाले ब्रश को अप्लाई करना है ताकि आप लोग का हेयर बहुत ही अच्छे से दिखे एंड आप लोग का जो भी सॉल्ट एंड टी सॉल्ट हो ताकि आप लोग उसमें आप लोग क्लियरिटी डाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हेयर एंड टी सॉल्ट जो भी होगा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आज की आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। तो चलिए फिर इतना करने सिंपल आप यहाँ डन कर देंगे। डन करने बाद देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है, मेरा वेट आप लोग को करना पड़ेगा ताकि हम लोग लंबा प्रोसेस किए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का हेयर एंड आप लोग का सॉल्ट डिसॉल्ट हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो फ्रेंड हम लोग फोटो को सेव कर लिए हैं। देखिए सेव करने में कुछ इस तरीके से आप लोग हेयर एंड सॉल्ट पे इफेक्ट आया होगा तो सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग का हेयर पे कलरिंग नहीं आया है एंड हम लोग का फोटो HD में नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। देन शेयर करने में सिंपल आप टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग को बढ़ाना होगा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो 31 बढ़ा दे रहे हैं। इतना करने बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद सिंपल आप लोग फिर से टूल्स वाले आइकन पे चले जाना होगा। टूल्स वाले आइकन पे जाने के बाद सिंपल आप लोग सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे एंड जहाँ भी आप लोग का हेयर ब्लैक होगा एंड सॉल्ट ब्लैक होगा यानी मतलब कि टी सॉल्ट, वहाँ पे आप लोग
सिर्फ ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कुछ इस तरीके से लाइट दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग लाइट देंगे तो बहुत ही अच्छा लुक दिखेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फिर शेयर कर लेते हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज हम लोग शेयर कर चुके हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, एंड इतना करने के बाद सिंपली आप लोग देखिए टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। देन टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखिए इस वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। अब आप लोग को बताएंगे हेयर को कैसे आप लोग लंबा करेंगे ताकि आप लोग के फोटो में गजब का लुक आ जाए। तो सिंपली आप लोग देखिए यही वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग फोटो को जूम कर लेना होगा। एंड देखिए जो हेयर है ना, ये मान लीजिए हम लोग का हेयर है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरह खींचेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग का आप लोग का हेयर अगर मान लीजिए ज़्यादा छोटा होगा तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज करके और आप लोग अपने हेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से लंबा कर सकते हैं, यानी आप लोग के फोटो में बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। तो इतना करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपल आप लोग देखिए इस वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा, एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोग देखिए हेयर कलर पर क्लिक करना है, ठीक है। हेयर कलर पे आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप लोग हेयर कलर पे क्लिक करेंगे हेयर कलर पे, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा एंड आप लोग का हेयर पे कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग बताएंगे फोटो को कैसे HD में बनाया जाता है, ठीक है। तो सिंपली देखिए इरेज कर चुके हैं। इरेज करने के बाद सिंपली आप लोग को दिखाएं हम रेड, ठीक है। पहले आप लोग को रेड दिखाएं बिफोर आफ्टर में, तो सिंपली रेड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड मैनुअल पर क्लिक कर देंगे। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा ब्रश को। अगर मान लीजिए आप लोग को ज़्यादा हेयर कलर करना है तो यहाँ से आप लोग अमाउंट को बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग का हेयर रेड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से अमाउंट को कम करेंगे तो कम होगा। तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने में यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करने में सिंपल आप एड फोटो पर आ जाएंगे और एक हमारे पास गुलाब का PNG है, ठीक है, रोज का PNG है। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड गैलरी में क्लिक कर देंगे एंड एल्बम में आ जाएंगे, ऑल फोटोज में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड जो हमारे पास PNG है आप लोग को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए गुलाब का PNG हम क्लिक कर दिए एंड यहाँ कॉर्नर में एड वाला ऑप्शन होगा और कुछ इस तरीके से अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने बाद देखिए ये जो पार्ट है ना इसको आप लोग इरेज करना है। तो सिंपली इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से आप लोग परफेक्ट की तरह बैठाइएगा अपने हाथ में, ठीक है, गुलाब को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम एडजस्ट कर चुके हैं। इतना करने में यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने में सिंपली फिर देखिए यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग फोटो सेव कर चुके हैं। फोटो को सेव करने में आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटनिंग एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देन शेयर करने में आप लोग को बताएंगे क्लियरिटी में आप लोग फोटो को कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप लोग फोटो में क्वालिटी कैसे डालेंगे। तो सिंपल आप लोग इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड आप लोग अपने फोटो के हिसाब से क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो 72 बढ़ा रहे हैं, अगर माइनस में करेंगे तो देखिए आप लोग का फोटो अच्छा नहीं दिखेगा, यानी आप लोग का KB में हो जाएगा फोटो। तो अगर आप लोग MB में बनाना चाहते होंगे तो आप लोग क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा एंड टेक्स्चर को भी आप लोग बढ़ा लेना होगा एंड डिजीज को भी आप लोग को बढ़ाना होगा। देखिए डिजीज को बढ़ाएंगे तो आप लोग के फेस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड मिक्स पे क्लिक कर देंगे और जो भी आप लोग इफेक्ट आया होगा सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका लिमिनस आप लोग को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना होगा एंड सेचुरेशन को आप लोग को माइनस में कर देना होगा, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर मान लीजिए आप लोग को यहाँ से नहीं करना है फुल HD क्लियरिटी, तो सिंपली देखिए एक और ऑप्शन बताते हैं। सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग देखिए प्लस वाला आइकन होगा ऊपर, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लेना होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर एक और बिंदु ओपन हो जाएगा एंड ब्रश। तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड इसका सेलेक्टिव कुछ इस तरीके से आप लोग को बड़ा कर लेना होगा। बड़ा करने के बाद सिंपली आप लोग इफेक्टिव वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग क्लियरिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए माइनस में करेंगे तो देखिए आपको दिखाते हैं फिर बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ जो है ना अभी आप लोग का देखिए फोटो MB में नहीं है, ठीक है, KB में। अगर मान लीजिए यहाँ क्लियरिटी को हम बढ़ा दिए हैं तो आप लोग का फोटो देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं क्लियरिटी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। तो फिर आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग एडिटर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।